मतदान के कवरेज को बताते हैं, वही प्रशासन की व्यवस्थाओं को बताते हैं। जिस तालबेट में आज मतदान चल रहा है, इसको लेकर अगर प्रशासन की बात करें तो उप जिलाधिकारी संजय पांडे तो वही, सीओ कमलेश कुमार तो वही, कोतवाल विनोद कुमार मिश्र दल बल के साथ बूथों पर गए, पूरी व्यवस्था को देखा, चप्पे चप्पे को देखा और वहीं सख्त अपने अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए। जिसके घर भी है वो अपने दूसरे गली से जाइए, ये गली छोड़ कर जाएगी, बता देंगे दूसरे गली से जाइए। आप लोग कोई गली कोई भी मोबाइल फोन लेके अंदर नहीं जाएगा, सभी लोग सुनिश्चित कर ले वोटर जो भी है। ये आज के दिन स्वामी का ये बंद रहेगा, भूल गया ना क्या हुआ दादा, डर गया वोट सारे ही अपना लाइन से बैठो, सब लोग एजेंट जितने वीडियोग्राफी के लिए वीडियो साहब की तरफ से हो एक चीज और सुन लो, चार लोग हो, चारों लोग एक चीज सुन लो, प्रत्याशी अगर कोई है वो आ सकता है सिर्फ यहाँ देखने, व्यवस्था रुकेगा नहीं और फिर 100 मीटर के दायरे में भी नहीं रुकेगा, बाहर बिल्कुल और बहुत सख्ती से, ठीक है ना, शब्द बिल्कुल सही, लहजा बिल्कुल सख्त, कोई चूक उसमें करेंगे नहीं चुनाव में, ये स्पष्ट बता दिया। एजेंट यहाँ इसलिए होता है प्रत्याशी का, प्रत्याशी की व्यवस्था को देखने के लिए अंदर एजेंट होता है कि सब ठीक है, जब एजेंट बना दिए तो प्रत्याशी घूम जाएगा, अनावश्यक कोई रुकेगा नहीं वोट डालने के बाद। महिला कार्ड कहाँ है, प्रिया यहाँ महिलाओं को देखते रहो, महिलाओं अगर पीठासीन अधिकारी किसी को बुलवाते हैं इसकी पहचान करने के लिए, कोई पर्दे वाली है, मुंह ढका है या कोई बुरके वाली है, आप जाइए पहचान करके एजेंट देख ले, हाँ जो नाम है वो वही भैया, ठीक है। ऐसे प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों की सीधे सीधे कहा है कि प्रत्याशी बूथ तक आ सकते हैं लेकिन बूथ की स्थिति देखकर फिर वह 100 मीटर के बाहर उन्हें रहना होगा। वहीं एजेंटों की बात करें तो एजेंटों को किसी तरह का मोबाइल अलाउ नहीं है, किसी तरह का मोबाइल नहीं ले जा सकते। चलिए निकल जाओ बस तत्काल तुरंत, सभी लोग 100 मीटर की दूरी मेंटेन करिए। क्या कर दी तुम, और ये गाड़ियां यहाँ पर मत लाइए, 100 मीटर अंदर पूछो ना उनसे, समस्या वही गाड़ी अंदर। अरे भाई एजेंट रहेंगे, वो एजेंट नहीं है, एजेंट अंदर जाओ ना, तो प्रत्याशी हो देख लिया आपने अपना बूथ, 100 मीटर दूर जाओ। प्रत्याशी के वसूल तो प्रत्याशी आएगा अपनी व्यवस्था देखेगा कि ठीक है, उसके बाद जाएगा, बाकी उसका मतदान की व्यवस्था देखने के लिए उसके एजेंट है, ठीक है, और 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर दिखेगा नहीं प्रत्याशी को। जब आप लोग एजेंट हो प्रत्याशी को, उसके साथ किसके एजेंट को, हम भाजपा के एजेंट, जो भी प्रत्याशी आता है एजेंट आपको इसलिए बनाएगा, इसलिए बनाया ना कि यहाँ की व्यवस्था अंदर आप देखें, इसीलिए है ना, जो वोट पड़ रहा है वो सही है, हाँ कोई जेन्युइन वोट पड़ रहा है, कोई फर्जी वोट नहीं, प्रत्याशी भी दिखेगा नहीं, आए अपनी व्यवस्था देखे, क्लियर है, और एजेंट की सुन लो, एजेंट जो जो भी एजेंट है, एजेंट का काम सिर्फ ये है कि वोट को तस्दीक करे कि ये वोट सही है, ये व्यक्ति जो भी है वो यही है, इसका नाम जैसे कृष्णकांत है वोट डालने वाला, तो वो कृष्णकांत ही है, अगर गलत होगा तो आप बताइए, यहाँ तमाम फोर्स है पीठा सीने के साथ, ये कृष्णकांत नहीं, इसके अलावा अगर किसी एजेंट ने किसी को ये कहा कि इसको वोट दो या इसको मत दो, बिल्ला नोच के उठा के गाड़ी में बंद करके तुरंत ले जाकर जेल में, ये स्पष्ट है, तो आपको अपनी मर्यादा स्वयं रखनी, जहाँ जो आपका काम है
विधिवत बिल्कुल नियमानुसार अपना काम कीजिए, कोई किसी तरह की फालतू की कोई काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। किसी एजेंट के पास मोबाइल अगर हो तो अभी भी मैं बता रहा हूँ अगर है तो तत्काल वापस बाहर भेज दें। किसी एजेंट के पास तलाशी ली गई मोबाइल मिला तो दिक्कत होगी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बने बूथ पर बना है सेल्फी पॉइंट, तो वहीं सेल्फी पॉइंट बूथ के अंदर होने की वजह से कैमरा अंदर ना मोबाइल अंदर ना जाने की वजह से ये सेल्फी पॉइंट सो पीस बना। हालांकि हमने वहां मौजूद अधिकारियों से बात की, उनसे इस सेल्फी पॉइंट की उपयोगिता को जाहिर किया, जब मोबाइल अंदर ही नहीं जा रहे तो सेल्फी पॉइंट का क्या होगा इस्तेमाल। अधिकारियों का कहना है कि सेल्फी पॉइंट को हम बाहर ऐसी जगह रखा जाएगा जिससे कि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और लोग मतदान के लिए जागरूक हो सकें। सेल्फी पॉइंट का क्या होता है अर्थ, इसी को हम आज हमने आपको बताया। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बने बूथ पर अंदर सेल्फी पॉइंट स्थित है, हालांकि इसको बाहर रखने की अधिकारियों ने बात कही है। अब कब रखा जाता है इसका हमें इंतज़ार रहेगा।